वेलकम बैक टू मम्मीज किचन। कैसे हैं आप सब? सर्दियों का मौसम चल रहा है और अभी यहाँ पे कोल्ड कफ का बहुत ही प्रॉब्लम चल रहा है, तो चलिए हम काढ़ा बना लेते हैं। तो उसके लिए मैंने ले लिया यहाँ पे बादशाह पत्ता और दो टुकड़ा दालचीनी का, इलायची, लौंग, गोल मिर्च, तेज पत्ता, अदरक और साथ में मैं ले लूँगी मधु यानी हनी। तो चलिए उसके लिए हम बनाते हैं। अभी देखिए कफ और कोल्ड का प्रॉब्लम हमें बड़े बूढ़ों या बच्चों का सबका होता है, तो चलिए उससे पहले मैं ले लेती हूँ। मैंने यहाँ से 4 से 5 ले लिया है पत्ता, उसको मैंने तो हाथ से तोड़ लिया है और मिक्सी में मैंने डाल लिया है। तो मैंने यहाँ पे मेज़रमेंट के लिए थोड़ा सा पानी मैंने डाल दिया है मिक्सी पर। तो याद रखिए यहाँ पर आप एक ग्लास ले लीजिएगा, जहाँ पर आपका एक ग्लास पानी होना चाहिए वही पानी को आपको पूरा यूज़ करना पड़ेगा। तो मैंने पीस लिया और थोड़ा सा पानी डाल के देख सकते हैं, और इसको हम छान लेंगे। जिस बर्तन में हम इसे गर्म करेंगे वही बर्तन में मैंने इसे छान लिया है। तो देख सकते हैं ये नहीं निकल रहा था, तो इसीलिए मैंने इसे चम्मच से छाना है। तो मेरे यहाँ पे आधा ग्लास पानी और भी है, फिर मैं इसे यूज़ करूँगी। तो थोड़ा सा मैंने यहाँ पर पानी भी ऐड कर दिया। आप चाहे तो जब मिक्सी में आप इसे मिक्स कर रहे थे तभी आप यहाँ पे पानी थोड़ा सा यूज़ कर दीजिएगा। तो ये यहाँ पे जो मेरा गरम मसाला है मैंने तेज पत्ता को छोड़ दिया, और जितना है उसको मैं सब यहाँ पे कूट लूँगी। तो देखिए मेरे यहाँ पे जो मेरा रस था वो बन के तैयार हो गया है, और जो मैंने कूट लिया वो भी मसाला मेरा तैयार हो गया। अब मैं यहाँ पे तेज पत्ता डाल के और जितना मेरा पानी बचा हुआ था उसको भी मैं मसाला पे डाल दूँगी, और डाल के उसी को मैं जो उबला हुआ जो मेरा बादशाह पत्ता का रस है उस पर मैं डाल दूँगी। बादशाह पत्ता ब्लैक कलर का भी होता है, मेरा पास वाइट था तो मैंने वाइट यूज़ किया, बट ब्लैक वाला सबसे अच्छा होता है। तो मेरा ये रस बनके तैयार है। एक गिलास पानी को मैंने एक कप रस में उबाल के कम कर लिया है। तो मेरा ये एक कप रस बनके तैयार है। अब मैं यहाँ पर ऐड करने जाऊँगी मैजिकल इन्ग्रीडियंट्स हनी, जो सबको बहुत पसंद है। आप एक बार इसको घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, तब आप बोलेंगे कि मार्केट का जो मेडिसिन है वो अब दूर ही रहे, इसको ही हम बना के पियेंगे। बहुत ही टेस्टी होते हैं, इसका तो स्मेल तो लाजवाब है, बहुत ही अच्छा है। आप सब घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बच्चों को एक बार ज़रूर खिलाइएगा, पिलाइएगा, वो फिर नेक्स्ट टाइम फिर डिमांड करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं, बाय।